नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट जुड़े हैं। क्या नाम है पेशेंट का? सुभाष चंद्र पांडे। सुभाष चंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा। आगरा में कहाँ से? आगरा में प्रेम नगर राजपुर चुंगी। राजपुर मंडी। हाँ, राजपुर चुंगी। राजपुर चुंगी शमशाबाद रोड। शमशाबाद रोड पे है। अच्छा, जब आप आए थे उस समय क्या क्या दिखा रहा थी पेशेंट को? उस समय मेरे पिताजी हैं पेशेंट, तो उनके पैरों में स्वेलिंग थी, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, 8 पहुंच गया था, ब्लड यूरिया 191 था, और सांस फूलती थी, चलने में दिक्कत आती थी, और हम लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो उसमें डॉक्टर ने उनको डायलिसिस के लिए बोला था, बट हम डायलिसिस नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए फिर हम लोग यहाँ पर। और जब यहाँ पर ट्रीटमेंट करा तो अभी हम लोग 2 महीने की दवाई ले गए हैं, जिसमें उनका जो क्रिएटिनिन है वो 6 आ गया है, और ब्लड यूरिया 178 है सर, और हीमोग्लोबिन में भी सुधार है, वो मुझे याद नहीं है कितना है, ठीक है। तो और जो पहले इम्यूनिटी उनकी कमजोर हो गई थी वो भी अब ठीक है, पहले बहुत जल्दी ठीक जाते थे, अब ऐसा नहीं है। फिजिकली फिट है बिल्कुल? हाँ, फिजिकली फिट है। पहले तो क्रिएटिनिन काफी बढ़ा हुआ था इनका। हाँ, कहाँ तक चला गया था? 8 तक। तो क्या बताया था आगरा में शमशाबाद रोड पे, क्या बताया था आपको डॉक्टर्स ने? यही कहा था कि डायलिसिस करवाइए। तो डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया था उस टाइम पे। हाँ। तो आपको फिर डायलिसिस में आप नहीं गए, क्यों, क्या रीजन रहा उसके पीछे कि डायलिसिस ना लेके आपने यहाँ पे आना? सर, डायलिसिस के बाद एक तो मेरे पिताजी जो है डायबिटिक पेशेंट हैं, और डायलिसिस के बाद शायद वो कुछ कर ना पाते, तो वही था कि जिंदा रहते खाते, और शायद कुछ समय बाद जैसा डायलिसिस के बारे में मुझे पता है कि बॉडी फंक्शन करना भी बंद ही कर देती है, तो हम लोग ये नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहेगा मैं कि उनके घर वाले जल्दी चलो से। तो आपने इसी चाह के अंदर आपने कुछ ऑल्टरनेट देखना शुरू करेगा, है ना, फिर आप यहाँ पर आए। तो अभी हाँ, इसमें हम लोग नेट पे सर्च कर रहे थे, तो उसमें यही था कि डायलिसिस को ना कहें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, इसलिए हम लोग यहाँ पर। तो अभी तो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है और सुधार भी बहुत अच्छे आए हैं, तो अभी तो फिट है ना बिल्कुल। अभी कितना आया इनका क्रिएटिनिन लेवल जो आपने? 6 है। रिपोर्ट दिखाएं। अच्छा, रिपोर्ट हार्ड कॉपी नहीं है आपके पास? नहीं सर, हार्ड कॉपी। और पहले जो आया था वो कितना था आपके पास क्रिएटिनिन? 8 के आसपास था। यूरिनरी सिम्टम्स जैसे पहले आ रहे थे, दिक्कत हो रही थी कि फिजिकली, और वैसी फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ। क्या क्या दिक्कत हो रही थी पहले? सबसे बड़ी दिक्कत थी उनकी सांस फूलती थी, खांसी आती थी, रात में सो नहीं पाते थे, और जो है चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पैर में स्वेलिंग आ गई थी, तो थकान जल्दी हो जाती थी। अब तो नहीं है स्वेलिंग? नहीं, सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है ना? नहीं, सांस लेने से कोई दिक्कत। सारे यूरेमिक सिम्टम्स होते हैं, डायलिसिस की जरूरत है, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अब ये सारी चीजें आपको नहीं हो रही है, जो की बहुत पॉजिटिव चीज है। आप देख सकते हैं इसके अंदर क्रिएटिनिन लेवल जो है अब ये 6 के रेंज में आ चुका है इनका। इनका हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में आई है, और 9 के आसपास इनका क्रिएट लेवल था, डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था, 8-9 के आसपास फ्लक्चुएटिंग था, और बहुत अच्छे इनको चेंजेस नजर आए हैं, इन्होंने टेस्ट कभी कराए हैं। सुभाष पांडे नाम है पेशेंट का, आगरा से ही हुए हैं ये टेस्ट, और फिजिकली मच बेटर फील कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है आप तो जहाँ पे? यही कहना चाहूंगा कि आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वहाँ तो एक तरह से जैसे बिजनेस चल रहा है, डॉक्टर जैसे हम लोगों ने जब पहले चेक करवाया था तो पापा का जो वेट था वो 57 था, और उनका ब्लड यूरिया 148 था, और 20 दिन की दवाई के बाद ब्लड यूरिया 191 हुआ, और उनका जो वेट है वो 67 हो गया। अच्छा। और वो सब हुआ क्योंकि वो पानी जो पीते थे पैरों में जाके स्टोर हो रहा था। तो अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि अब डायलिसिस ही करवाना है और इसके अलावा कोई चाह नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आप एक बार आयुर्वेदिक मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यही लास्ट है, बट मत जाइए उधर डायलिसिस की तरफ, हो सकता है कि उसके बिना भी ठीक हो ही जाए। हो रहे हैं आप? हाँ। हो सकता है कि अगर जैसे आपके सुभाष पांडे जी फॉलो करेंगे, कर रहे हैं, बाकी पेशेंट्स भी करेंगे, उनको भी नजर आएंगे। सिद्ध कर चुका है किडनी का इलाज संभव है, आप भी उसके एक जुड़ चुके हैं उसमें भी, आप किस प्रकार से आपको भी इंप्रूवमेंट नजर आए, बहुत अच्छे इनको चेंजेस नजर आए। फिजिकली द पेशेंट इज फीलिंग मच 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 बेटर नाउ एंड इज आउट ऑफ डायलिसिस प्रोटोकॉल। स्टॉप किडनी डायलिसिस।